कुछ यादें हैं भूली बिसरी, कुछ बातें हैं खट्टी मीठी, कभी जीत है कभी हार है, गम भी खुशी के साथ है। जीना इसी का नाम है, नमस्कार, खुश आमदीद, सत श्री अकाल, आदाब। एक बार फिर से आपका दोस्त रोशन आपका स्वागत करता है नोकिया जीना इसी का नाम है में। दोस्तों, कभी कभार हम यहां पर कुछ ऐसे लोगों को लेके आते हैं जिनकी जिंदगी को अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे वाह, सचमुच इन्होंने कुछ अलग तो किया ही है। लेकिन आज कश्मीर की वादियों की खुशबू लेकर आपके बीच यहां पर आने वाला हूं। इस वादी की खुशबू आप तक कैसे पहुंची, कौन है शख्सियत, चलिए आपको मिला देते हैं अभी इसी वक्त। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आइए, करियर में दोस्त बनते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। आपको क्या लगता है कि आज जब हम आपके बारे में बात करने वाले हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो जहन से समय गुजर रहे होंगे? दैट्स ट्रू, दैट्स राइट। सो फैमिली, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, लाइफ इन बॉम्बे, इतने इतने अलग अलग पहलू हैं आपके। मैं सोचा था शुरुआत कहाँ से करूँ। चलिए ऐसा करते हैं कि किसी को यहाँ पर पहले बुलाते हैं और बातचीत कुछ अलग तरीके से शुरू करते हैं। आइए साहब। उदय अहुजा एंड अनुज सेठी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ये आपके आपके दोस्त हैं? बहुत ही करीबी दोस्त। कहाँ से मुलाकात हुई थी आपकी? दिल्ली से। दिल्ली से जिम में मिले थे हम लोग, और ये भाई साहब अपने एज यूजुअल अपने पूरे गाउन बाउन में ऐसे संजय दत्त स्टाइल, एंड मैं अपना एटीट्यूड में बॉडी बिल्डिंग करते हुए, बस वहीं से वी बीन थ्रू थिक एंड थिन, वेरी गुड फ्रेंड्स उसके बाद। हाउ अबाउट यू? मैं मिला था बॉम्बे में इसको, दिल्ली में भी जिम में मिला था मैं, आई नो उदय ऑल्सो, तो उसके बाद बॉम्बे में मिला। बॉम्बे में मिलने के बाद एक बार शूट पे गया था, एक ऑडिशन पे गया था, रात को लेट हो गया था, तो मेरे को फ़ोन किया आ जाओ, मैं अकेला खड़ा हूँ। तो गया, भूखा था, तीन दिन से कुछ खाया नहीं हुआ था, लेकर गया अंडा पाव खिलाने, रात को लेट नाइट इवेंट, वहाँ पर साथ में खड़ा हुआ था, मैंने ऑर्डर दिया अंडे पाव का, और पीछे देखा तो इकबाल नीचे गिरा हुआ था, फेंटेड वहीं पर, वो नीचे कीचड़ था पूरा, गिर गया। उठाया इसको, तीन चार लोगों को बुलाया, उठाया, फिर खड़ा किया और फिर गिर गया। क्योंकि मेरे को इंसिडेंट इसलिए याद है क्योंकि शर्ट इसने मेरी पहनी थी उस दिन जब गिरा था। पर देखिए, मजाक में जो लोग बातें कर रहे हैं उसके पीछे एक बड़ी गहरी दोस्ती छुपी हुई है। आपके हाथ में जो मुझे दिख रहा है, मेरे ये क्या है? इकबाल, तेरे वो फेवरेट परांठे हैं। ये दिल्ली से? दिल्ली से। माइंड ब्लोइंग। ये एकदम लेके आए हैं आप ही के लिए, और अपने हाथ से आपको इसका एक निवाला, अदरवाइज कल का परांठा है। इनफैक्ट जब मैं आ रहा था, मेरी वाइफ ने कहा था इकबाल एक सेकंड में कह देगा कि ये कल के परांठे हैं। भाई लेकिन पराठे हैं और प्यार वाले परांठे, प्यार वाले तो खाने पड़े। ये वो डबल आलू वाला परांठा है तेरा फेवरेट। देयर इज अ सेकंड थिंग आल्सो, तेरे को मेरे बेटे की फोटोग्राफ चाहिए थी कोरियर काफी टाइम से करने के लिए। दिस इज फॉर यू फोटोग्राफ। इसके पीछे भी एक स्टोरी है। जब इनका ये सीरियल आया था जिसमें इनका स्क्रीन नेम शौर्य था, हाँ। उसी दिन मेरा बेटा हुआ था, उसने मेरा भी अपने बेटे का नाम शौर्य रखा था। मैंने इन फोन किया कि मेरा बेटा हुआ है शौर्य, उसका नाम कहता है आज ही मेरा स्क्रीन नेम भी शौर्य डिसाइड हुआ है।
That's friendship. You know, Shaurya, अगर आप देखिए तो मुझे लगता है कि अपने चाचा पर एक तरीके से गए हुए हैं, बड़े ही क्यूट हैं, और अभी से इनका करियर लगता है मुझे बनने वाला है। मैंने जब आपकी पूरी कहानी पढ़ रहा था तो मैंने एक चीज़ देखी है कि स्ट्रगल आपकी ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा रहा है। उस पूरी स्ट्रगल के दौरान बहुत लोग जो होते हैं वो कहीं ना कहीं पर टूट जाते हैं और वापस चले जाते हैं। आपको वो कौन सी चीज़ थी जो कॉन्स्टेंटली तब भी बांधे रही कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है, अपने करियर के साथ कुछ करना है? जो भी कोई बॉम्बे आता है एक्टर बनने, शायद उसको ये या तो पता नहीं, मुझे लगा था कि जाते काम मिल जाएगा। बस मैं आया, मैंने एक दो म्यूज़िक वीडियोज़ किए, मैंने सोचा बस आई हैव अराइव्ड। लेकिन उसके बाद बहुत सारा ऐसा वक्त देखा जिसमें पैसे नहीं थे और काम नहीं था। उसके बाद मैंने समझा कि आई थिंक ऐसा वक्त देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो अगर आपको सक्सेस, जो भी मैंने बहुत ज़्यादा बड़ी सक्सेस नहीं देखी लेकिन जितनी भी छोटी मोटी देखी है, आपको वो मज़ा नहीं आएगा उसका, आप उसकी वैल्यू नहीं करेंगे उतनी। और मैं, माई फादर इज़ IAS ऑफिसर, मेरे घर में सब आपकी बहनें डॉक्टर्स, मेरी बहनें डॉक्टर्स हैं, मैं थोड़ा पीछे रह गया। लेकिन ऐसा नहीं कुछ कि मैं किसी बहुत ही गरीब खानदान से हूँ, ऐसा कुछ नहीं, मैं मिडिल क्लास फैमिली। लेकिन तब भी ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि भूखा कैसा लगता, कैसे है, कि मैंने कोई ऐसा डिलिबरेट एफर्ट नहीं किया था करने के लिए लेकिन हो गया। तो उसकी वजह से आज मुझे लगता है कि मैं आज भी अगर कहीं जाता हूँ कुछ खरीदने तो पता नहीं आदत हो गई, प्राइस टैग ज़रूर देखता हूँ। हालांकि ज़रूर देखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, ना ही पड़ती है, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ वैल्यूज़ ऐसी, ये स्ट्रगल आपके अंदर ऐसी वैल्यूज़ डाल देता है कि मेरे ख्याल से वो अच्छी रहती है इंसान। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक ये तो बात होती है। इनके बहुत सारे और भी दोस्त हैं, उनमें से एक दोस्त से हमने बात करी, कौन है ये इनको बताऊंगा नहीं, साथ में देखते हैं। हाय इकबाल, गुड टू सी दैट आज तुम जीना इसी के नाम पे आए हो। बॉम्बे में जब तुम पहली बार आए थे, इनफैक्ट जब तुम आए थे, इनफैक्ट आई मेट यू आउटसाइड लेगेसी ऑफ चाइना आई थिंक, जब तुमसे पूछा मैंने तुम कहाँ जा रहे हो और कब आए यहाँ पे, तुमने बताया था मुझे कि तुम शायद वापस जा रहे हो। इनफैक्ट शायद अगर तुम नहीं आते, तुम वापस चले जाते, तुम आज तुम यहाँ पे नहीं होते। इनफैक्ट ये अल्लाह की रहम है, उसकी मर्जी है कि तुम यहाँ पे आए और आज तुम इस मुकाम तक पहुँच गए हो। मैं जब बॉम्बे आया था पहली बार तो मेरे पास 3,000 रुपये थे, पर मुझे ये नहीं पता था कि मैं रहूँगा कहाँ पे। आ गया ऐसे बॉम्बे सेंट्रल से, मैं जब 7 बंगलोज पहुँचा, मुझे ये पता था कि अंधेरी में सब फिल्मी लोग रहते हैं, मैं सीधा 7 बंगला पहुँच गया। मुझे पता नहीं था मैं क्या कहाँ जाऊँ क्या ना, तो मैं थोड़ा टेंसअप हो गया। सचिन मेरी दिल्ली से पहचान है, हम दोनों वहाँ पे एक साथ मॉडलिंग करते थे। तो मैं एक जिम है बारबेरियन, तो मैं वहाँ घुस गया और वहाँ मुझे वर्कआउट करने को तो मिल गया फ्री में। शायद वहाँ का जो ओनर थे सत्या, उनकी शक्ल पर दिख गया था भैया ये स्ट्रगलर आदमी है, इसको करने दो। वर्कआउट करने के लिए और फिर मैं बाहर आ गया और मैंने कहा अब जाऊँ कहाँ, आ गया हीरो बन रहा है, अब कहाँ जाऊँगा। तो बाहर मैं खड़ा था अपना सूट केस लेके और सडनली सचिन बाइक पे वहाँ पे जा रहा था। तो उसने देखा, उसने कहा कहाँ जा रहा है, मैंने कहा बस आ गया हूँ बॉम्बे। तो किधर रह रहे हैं, कहता चल आ जा। मैं 2 महीने उसके साथ रहा और काम करके जब वापस आता था तो इसका घर घर होता था। कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है आप लोग सब समझ सकते हैं इस मुकाम तक पहुंचने के लिए, और इसीलिए शायद एक शायर ने एकदम सही कहा है और मैं इकबाल के लिए कहना चाहता हूं कि अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो जला रह जाएगा। नोकिया जीना इसी का नाम है, मैं वापस आते हैं आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। अच्छा इकबाल, जितने सॉफ्ट स्पोकन आप यहां पर मुझे लग रहे हैं, क्या आप इतने ही सॉफ्ट स्पोकन हैं? ऑलमोस्ट चूंकि बड़ी खुराफातें भी आपने करी हैं स्कूल के दौरान। थोड़ी बहुत हाँ, मैं करनी चाहिए, वो इम्पोर्टेंट होता है। लॉरेंस स्कूल सनार के जमाने में जो थे आप, चंडीगढ़ भाग जाते थे कभी कभार। That's true. So, would you like to share that with us? अगर बच्चे देख रहे हैं तो जो मैंने किया है प्लीज़ कीजिएगा मत, क्योंकि अच्छी बात नहीं है। हमारा बोर्ड का एग्ज़ाम था
ट्वेल्थ का और हमारा इंग्लिश का एग्ज़ाम अगले दिन था, मतलब एक दिन का ब्रेक था और उसके बाद इंग्लिश का एग्ज़ाम था। हम सब समझते थे कि हम इंग्लिश में बहुत अच्छे हैं, मतलब सब, सारा स्कूल नहीं, हम पाँच छः जितने भी लफंडर थे। हमने सोचा चंडीगढ़ जाते हैं, रात को निकल गए, चंडीगढ़ गए, बहुत मस्ती की, बहुत मस्ती की, माइनस स्मोकिंग ड्रिंकिंग, देयर वाज नथिंग लाइक दैट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, नो स्मोकिंग नो ड्रिंकिंग, सब खूब ऐश किए और वापस आ गए और अगले दिन एग्जाम किए और सब में अच्छे, सबके अच्छे मार्क्स आए, मत कीजिएगा प्लीज़, सबके अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, लकीली आ गए, तो वी आर अ गुड टाइम, वेरी गुड टाइम। कभी कभार ऐसी भी बातें हो जाती थी, दोस्ती की बात छिड़ी है तो मैंने कहा कि क्यों ना स्कूल ले गया हूँ, तो स्कूल के ही किसी व्यक्ति की बात करता हूँ, खुराफात की नहीं, एक और एस्पेक्ट है इकबाल का जो आप लोग नहीं जानते हैं, चलिए साथ में देखते हैं। Hey Iqbal, how you doing buddy? Sorry couldn't be there for your show today. I still remember you were a fitness freak in school as well, and you know when you used to gym and Anand and me couldn't pick up the weights that you did. I mean we laughed so much in that incident. Real good fun. And the 150th founders when you played Karan in that show, that play, that really huge play. That was really nice. I mean you were really good that time. I'm really happy that today you're doing what you've always wanted to do. And all the best bro, hope you get all the success in life, and you're getting married now, so all the best for that as well. Take care, bye. Ye Lawrence School Sanar se inke ek junior the, Suvrat naam hai inka, Suvrat Khanna, aur Suvrat jo the unhone kaha jab main baat kari thi to keh rahe the ki jis tarike se ek chote bhai ka khayal rakhte hain us tarike se aapne inka khayal rakha tha wahan pe, bilkul main ये दो साल जूनियर था मेरा खन्ना और दूसरा एक लड़का होता था आनंद, सो ये दोनों खूब मस्ती करते थे, हालांकि मैं इनका प्रीफेक्ट था और जूनियर्स को थोड़ा रखना पड़ता है, लेकिन ये दो हमेशा, मैं जब भी जिम जाता था, मैं स्कूल से वर्कआउट करता हूँ, तो ये दोनों आते थे मेरे को हेल्प करते थे, मतलब मैं बैठता था एक सेट करके बैठ जाता था, अभी वेट लगाओ उसमें वो सब तो करते थे वो सब। तो जिम की बात चली है, चलिए थोड़ा सा कुछ हम भी यहाँ पर कसरत करके आपको दिखाते हैं, बड़ी कसरत करके लोगों को बुलाया यहाँ पे, आइए साहब। स्टार्स के ट्रेनर जिनकी बॉडी को देख के आप समझ सकते हैं मैं उनको क्यों नहीं हग कर रहा हूं। अब ये बताइए आपकी मुलाकात, इन्होंने अभी बात करी थी, कहने लगे बॉम्बे आए और सीधे जिम में घुस गए, ये क्या हुआ? यही है वो, यही है। मुझे याद है कि ये सात बंगला में मेरा जिम हुआ करता था, काफ़ी फेमस था, ये आए वहाँ पर और एक बर्मुडा थी पुरानी सी और एक टी शर्ट नॉर्मल, मुझसे इन्हें कहा कि मैं एडमिशन लेना चाहता हूँ, तो मैं बोला बहुत अच्छी बात है लीजिए, तो इन्हें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। बहुत अच्छी बात है कहीं और पे। तो मैं समझता हूँ कि जो स्ट्रगल करने बॉम्बे आता है पैसे का प्रॉब्लम रहता है, एक फायर था इसमें जो मैं कभी बॉम्बे आया था तो मुझ में था और मैं समझा कि इसमें भी है, तो वहाँ पर मैंने एक इन्हें सपोर्ट किया बॉडी बनाने में और दो महीने में बहुत अच्छा बॉडी बन गया था। दो महीने में? सिर्फ दो महीने में। अच्छा मुझे कितना वक्त लगने वाला है? दो साल तो मेरे पास है नहीं, तो इसलिए भाई, पर इतने ऑनेस्टली मैं कह रहा हूँ कि एज अ ट्रेनर इतने मशहूर हैं और इनकी जिम्स इतनी मशहूर हैं, इकबाल ये 222 नंबर बस की क्या कहानी? वो एक्चुअली स्नेहा मेरी फियांसे वो बैंड्रा में रहती, जेपी रोड वाला माउंट के बाहर जो बस स्टैंड है, बस स्टॉप है, वहाँ पे 222 की बस मिलती है जो आपको बैंड्रा तक ले जाती है, जो जेंजी के बाहर रुकती है मैं वहाँ पे, मतलब 222 देस 56 देस 200 सब जाती हैं, वहाँ सब वहाँ पर जाती हैं। तो भाई ऐसा हुआ कि बस को तो हम लोग यहाँ पर कब्जे में नहीं कर पाए, लेकिन बस से उतरते हुए किसी को कह दिया कि स्टॉप, कौन है आपको यहीं पर मिला देते हैं, आइए। थैंक यू वेरी मच स्नेहा फॉर कमिंग हियर। स्नेहा आपकी मुलाकात कैसे हुई थी इकबाल से? इकबाल से मुलाकात तो 6 साल पहले हुई थी, लेकिन उस टाइम इट वाज जस्ट वेरी प्रोफेशनल, क्योंकि हमने एक वीडियो किया था साथ में,
फिर 3 साल बाद हम मिले थे बैंड्रा में जहाँ मैं रहती हूँ. तो उस टाइम हमने कहा हेलो लॉन्ग टाइम ब्ला ब्ला ब्ला. फिर हमने नंबर्स एक्सचेंज किए और फिर उसके बाद रोज़ मिलते चले गए बस. एक और चीज़ मैं आप लोगों के सामने ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ. ये लोग यहाँ पर हैं मुंबई में. आपको मालूम है कि पानी बहुत ज़ोर का बरसा और जब बरसा था तो इन वन सच इंसिडेंट अगर मैं सही जानता हूँ तो ये कहीं पर स्ट्रैंडेड थी. हाँ तो क्या क्या हुआ था? मैं संक्रमण में शूट कर रहा था जहाँ बालाजी का शूट होता है. तो बारिश हो गई बहुत ज़बरदस्त. हम बाहर आए इतना इतना पानी. तो ये तब मलाड में काम करती थी. तो मैंने सरली सोचा कि ये मलाड से कैसे बैंड्रा जाएंगे. मुझे तो पता भी नहीं था कि बाहर इतनी बारिश हो रही है. तो मैं अंदर ही थी और मैंने मेरा फ़ोन साइलेंट पे था तो मैंने चेक भी नहीं किया कोई SMS कोई कॉल. देन फाइनली ही कॉल्ड एंड देन ही सेड वेयर आर यू. इवन आई डिडंट नो वेयर आई वाज. दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज इन मलाड. देन फाइनली ही जस्ट केम. मैं संक्रमण से गोरेगांव ईस्ट से पहले मलाड गया. वो भी नॉर्मल रास्ते से नहीं, पूरा घूम के इतने इतने पानी में. हाँ फिर यहाँ से इनको उठाया और वहाँ से हम पैदल यारी रोड गए. इट वाज अ एक्सपीरियंस. इट वाज अ बिग टाइम लाइफ टाइम एक्सपीरियंस. पर अगर अगर कहते हैं ना कि शीरी फरहाद की कहानी सुनिए या तो वहाँ पर जो थे वो कोई दरिया बना देता है. बस मटका रह गया है ना. मटका ही रह गया था आप लोगों के लिए. वट एवर सोनी महिवाल वाली बात जो है वो ही कुछ लग रहा था. इस रोमांटिक लव स्टोरी में छोटी सी ब्रेक लेके वापस आते हैं ऑन नोकिया. जीना इसी का नाम. वेलकम बैक टू नोकिया. जीना इसी का नाम है. मेरे साथ यहाँ पर इकबाल बैठे हुए हैं. इनसे काफ़ी सारी बातें तो हम लोगों ने कर ही ली हैं लेकिन अब मैं आ रहा हूँ. अभी इनकी प्यार की बात हो रही थी तो कैसा ये प्यार है मेरे दिमाग में ख्याल आया. फिर याद आया इनका वो शो जिससे इतने फेमस हो गए अंगद के कैरेक्टर में. इतने लोगों ने इनके बारे में बात करी तो क्यों ना उसी शो को यहाँ पर थोड़ा सा मैं रिक्रिएट करना चाहता हूँ. किसी को यहाँ पर इन्वाइट करते हैं. आइए थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद अस. इट्स अ रियल प्लेजर हैविंग यू हियर. कैसा ये प्यार है मैं आपने ये जोड़ी देखी होगी. और यार ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. कोई पराठे लेके आता है कोई ये क्या है. इकबाल का नाम लिया जाए तो खाना इज लाइक अ सेकंड नेम. अच्छा तो भाई ऐसा करते हैं कि पराठे तो चख ही लिए थे. आप इसको भी चख तो सकते ही हैं. आप कल रात की नहीं नहीं ये कल रात की नहीं पिछले हफ्ते की है. सॉरी नहीं बिल्ली ने थोड़ा दूध खराब कर दिया तो क्या. तो अब आपने इनको खीर भी यहाँ पर खिला दी. एक और चीज़ जो मुझे शो के बारे में पता लगी और जब इसके बारे में न्यूज़ रिपोर्ट्स भी काफ़ी थी उस जमाने में कि 90 घंटे काम करने के बाद आउट ऑफ शेयर एग्जॉस्टन आप निढाल हो गए थे और आई थिंक 6 दिन के लिए अस्पताल में थे या 1 हफ्ते के लिए अस्पताल में थे. एक्चुअली वो 90 घंटे हमने कंटिन्यूसली शूट किया और उसके बाद मुझे थोड़ा अनइजीनेस हो गया शुरू और मुझे लग रहा था कि मैं गिरने वाला हूँ. लेकिन उस टाइम ब्रेक हो गया था और सब लोग बाहर आ गए थे और रात का टाइम था तो मुझे लगा अब मैं यहाँ पे गिरूँगा तो मेरा तो कचरा हो जाएगा. कहेंगे लंबा चौड़ा आदमी गिर गया यार. तो लड़कियाँ बैठ के खाना खा रही हैं ये गिर गया. तो यहाँ वैनिटी वैन खड़ी हुई थी. मैंने कहा उसके पीछे जाके गिर जाता हूँ 5-10 मिनट में ठीक होकर वापस आ जाऊँगा. तो मैं ऐसे थोड़ा बेर चलता गया. कम वक्त बॉडी ने साथ नहीं दिया पहले गिर गया. And for us, we all screamed. और मुझे तो समझ नहीं. मैं तो खा रही थी. सब चिल्ला के भागे. इसलिए कहाँ भाग. तो इकबाल गिर गया. सर कहाँ से. आई डेंट इवन रियलाइज वो कहाँ से गिरा क्या हुआ. नहीं उसको चक्कर आके वो गिर गया. आई से देखा होता है ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ था. इट्स क्वाइट डिफिकल्ट. इनिशियली इट्स डिफिकल्ट बट मुझे सिर्फ आवाज़ें आ रही थी कुछ कुछ. मुझे याद है जीतू अरोड़ा जो हमारे डायरेक्टर थे उस टाइम मैंने बस आँख खोली और उसका चेहरा आगे देखा. उसने किसी ने उसको पूछा अरे जी तो इसको उठाना. तो वो देखिए बोलते पागल है इसको कौन उठाएगा. तो फाइनली उठा लिया हम लोगों ने मुझे. रियली आई डू थिंक कि ऐसा होता है. इनकी कोशिश से हमको यहाँ पर कुछ अच्छी बातें तो पता लग गई हैं. तो यहाँ पर थोड़े और माहौल को बनाते हैं. सोफा भी एम्प्टी लग रहा है तो किसी और को यहाँ पर इन्वाइट करता हूँ साथ में ही. देखते हैं कौन यहाँ पर आपका इंतजार कर रहे हैं. नहीं ये दोनों मेरे बच्चे.
thank you so much, Maya ji, for joining us here. Not at all. It's always a pleasure. Please, bet here. Aye. Why don't all of you sit? Maya ji, how long have you known Iqbal? 2 years से, since I started, जब से हमने काम शुरू किया एक साथ, तब से. तो क्या पहला आपका reaction क्या था जब इनसे मिली? पहले तो देखा हाँ खूबसूरत लड़का है, आवाज़ भी अच्छी है, काम भी अच्छा करता है, और फिर actually क्या है कि जब दादी और पोते का जो relationship दिखाया है, पहले दिन से ही offset onset दोनों ही में दादी पोते का relationship बन गया, अपने आप ही बन गया. तो बस मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मैं हमेशा डैड मॉम से हमेशा ही अलग रहा हूँ, दूर रहा हूँ, चाहे वो बोर्डिंग स्कूल हो, फिर या दिल्ली में कॉलेज में आया, फिर बॉम्बे आया. तो मैं डैड मॉम को हमेशा बहुत मिस करता हूँ ऑब्वियसली, लेकिन मैं हमेशा ये सोचता था कि आई होप कि आज माया जी आए, आई होप कि आज माया जी आए, तब मैं फिर मतलब फिर मॉम को ज़्यादा मिस नहीं करता था. कुछ और दोस्त इनके हैं जिन्होंने इनके बारे में कुछ बातचीत हमसे करी है, जल्दी से उनमें से एक की बात आपके साथ शेयर करते हैं. हाय इकबाल, इकबाल तुझे याद है हमने नई नई बीमारियां इजाद की है? एंड आई एम सो हैप्पी दैट यू नॉट अफेक्टेड बाय दैट डिजीज यार, सीरियसली, लाइक यू नो, लाइक लॉट ऑफ अदर पीपल इन द शो. एनीवेज, एंड यस, ऑन अ पर्सनल लेवल इकबाल, आई थिंक यू द मोस्ट वार्मेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट वार्मेस्ट एंड द नाइसेस्ट पीपल हैव कम अक्रॉस, यू नो, हु डोंट हैव टू मेनी हैंग अप्स, हु कैन बॉन्ड रियली वेल विद पीपल. And wish you all the best, loads of success. And yes, ab jo tu shaadi karne ja raha hai Iqbal, wish you a very, very, very happy married life. And on a filmy note, if you want to end it, log kehte hain ki doobte ko tinke ka sahara kaafi hota hai. But as a friend, I can tell you and I can tell the people ki doobte ko Iqbal ka sahara kaafi hota hai. Iqbal, poochu ke nahi? Nahi. बहुत गड़बड़ हो जाएगी. अच्छा, तो ऐसा करते हैं कि मुझे भी लग रहा है कि एक नया एयरबॉर्न वायरस हमारे बीच आ रहा है, उसका नाम है ब्रेकराइटिस. और उससे हम सब इफेक्ट हो जाते हैं, इसका कोई इलाज नहीं है. छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं और नोकिया जीना इसी का नाम. वेलकम बैक टू नोकिया, जीना इसी का नाम है. इकबाल अभी मेरे साथ हैं. बहुत ही सही इनके दोस्त ने कहा कि डूबते को जो है वो इकबाल का ही सहारा काफ़ी है. दोस्ती सच मुझे लगता है आपने बहुत निभाई है, अपने सारे सब लोग आपके बारे में ऐसा कहते हैं. आपका शो कर्म अपना अपना, ये शो जब आपको मिला तो टेल मी व्हाट वाज़ द फीलिंग, व्हाट वाज़ इट लाइक, यू नो, मूविंग फ्रॉम अ बिग शो टू अनदर शो. क्या लगता है कि एक पुरानी चीज़ छोड़ के एक नई कोई ऐसी सिचुएशन में जा रहे हैं जहाँ पर एकदम आदमी सर्टन नहीं होता है कि क्या होने वाला है? बिल्कुल सही कहा आपने. एक्चुअली जो भी आप नया शो करते, नया शो या नई फिल्म जो भी नई होती है, उसमें आप हमेशा ये सोचते हैं कि अब होपफुली ये चले. ये मैं उन इंसानों में से नहीं हूँ जो बोलूँगा कि हाँ चलेगा, ऑफकोर्स चलेगा. मैं थोड़ा आई लेट गॉड डू द रेस्ट. करम अपना अपना में बहुत ज़्यादा नए दोस्त बने होंगे, हर नए शो के साथ नए लोग मिलते हैं आपको. ऐसे ही कुछ लोगों को हमने कोशिश करी यहाँ पर लाने के लिए. देखिए कौन आया है मिलने के लिए आपसे. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर. लाज थैंक यू वेरी मच. आप लोग एंटर करें ना और मुझे बीच में स्टेज दिखा लगा कि सबसे पहले आप लोग डांस करेंगे. टेल मी, हाउ हाउज इट बीन वर्किंग विद हिम? जो भी बोलना सोच समझ के बोलना, कल शूटिंग पे मिलना है. अच्छा, इकबाल के बारे में सबसे अच्छी बात ये है, द रीज़न वाई आई एम हेयर टूडे इज कि इकबाल में, इसकी जिंदगी में एक नहीं दो दो औरतें हैं, दो औरतें हैं, ये फैक्ट है स्नेहा. या और आज मैं सबके सामने बताना चाहता हूँ और मुझे अच्छा लगता है. मुझे नहीं लग रहा वो तो बेचारा बनने वाला है ना, इसके ये क्या बात कर रहे हैं. आई एम टेलिंग द ट्रुथ. अब आप चुप रहिए. ये जब भी इसके साथ बैठो बात करेगा, पता है यार मैं घर पे गया, स्नेहा ने इतना सारा खाना बनाया, आई गॉट टू शेयर ऑल द लवली फूड दैट स्नेहा मेड. और इसको मैं कोई भी चीज़ बोलता था, इकबाल ये कर, यू नो, घर खरीद, मम्मा ने मना किया. अभी मम्मा ने बोला रुक जाओ इकबाल, बाल नहीं, मम्मा ने बोला था कि बाल कटा लो अच्छे लगोगे. पता है मम्मी ये बोलती हैं, पता है स्नेहा ये बोलती है,
उस स्नेहा से बहुत स्नेह है इसे और अपनी मामा से बहुत स्नेह है, कोई भी बात बिना मम्मी को पूछे नहीं करते, एंड आई थिंक दैट्स रियली रियली अडोरेबल एंड आई थिंक दैट्स सो मच लाइक मी. मैंने ये ऐसी बात मैंने नोटिस किया है जो मेरे ख्याल से शायद सच है, अब हम सबको ये करनी चाहिए. और अभी तक मेरे साथ जो भी हो रहा है, मेरा हार्डवर्क सिर्फ 20% है, 80% उनकी दुआओं की वजह से, और वो उनसे मैं जो सजेशन लेता हूँ इट्स नेवर गॉन रॉन्ग. इसलिए और जो दूसरी बात बोली इसने स्नेहा का, स्नेहा भी, स्नेहा एक बार कुछ बोल देती है तो वो हो जाता है, पता नहीं क्या, I don't know why, but वो हो जाता है. कुछ बोली है हमारे शो के बारे में बोली है. आपका शो इतना सक्सेसफुल होगा वो हो जाएगा. तो इसलिए मैं इन दोनों की बात था हमेशा. भाई इतना कुछ तो आपने बोल ही दिया है, लेकिन वो वहां से खूबसूरती से सिर्फ स्माइल कर रही है, तो मैं चाहता हूँ कि डलास की आवाज आप लोग सुन लीजिए. जी ओके. मैं ये कहना चाहूंगी कि मैंने 3 खान्स के साथ काम किया है इंडस्ट्री में. आई मस्ट से इकबाल दैट यू आर एज डाउन टू अर्थ एज शाहरुख, एज चार्मिंग एज सैफ, एंड एज हार्ड वर्किंग एंड स्वीट एज सलमान. सो आई एम वेरी प्राउड दैट वी हैव वन खान ऑन इंडियन टेलीविजन हु इज सो सो गुड. मुझे एक डर था जब इन्होंने एंड में कहा कि एज हार्ड वर्किंग एज सलमान, तो इन्होंने ये नहीं कहा कि शर्ट खोल के दिखाई है. वो भी कर लेंगे इनकी परमिशन हो तो. मुझे यहाँ तक मालूम है कि आप जब आए थे तो फिल्मों का आपका रुझान था, यू आर इंटरेस्टेड इन फिल्म्स. फिल्म में सबसे ज्यादा जो होता है एक्टर को परखता है, देखता है एक व्यक्ति, उनको हमने यहाँ पर बुलाया, वक्त निकाल के आए हैं. तालियों के साथ उनका स्वागत करिए. फंटूस के डायरेक्टर इजाज़ जी, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए. एक्टर को डायरेक्टर बड़े नज़दीकी से देखता है, आपने जब इनको देखा क्या समझा, क्या जाना? ही वॉज ये बहुत ही डेडिकेटेड किस्म का बंदा है. व्हाट आई लर्न्ड अबाउट हिम कि इसने जो सोचा है वो करता है. राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, जब आई थिंक सो, जब मैं पहली बार फंटूश की स्क्रिप्ट लिख रहे थे, तो आई यूज़ टू सी अ यंग बॉय वो यूज़ टू कम और स्टोरी सेशन में बैठता था और सब कुछ करता था. मैंने पूछा कौन है ये बंदा, तो लोग कहते थे नहीं यार ये प्रोडक्शन असिस्टेंट है. मैंने कहा प्रोडक्शन असिस्टेंट कैसे हो गया, मतलब यू नो, मैंने कहा इज अ हैंडसम गाय ही शुड बी एक्टिंग. बोले सर एक्टर बनने आया है बट ये पहले जो है फिल्म लाइन की नेटिग्रिटी सीखना चाह रहा. सो आई वॉज क्वाइट इम्प्रेस्ड कि मैंने कहा अगर एक एक्टर फिल्म की बारीकियाँ पहले सीखता है तो इट्स अ गुड थिंग यू नो, एंड इट्स गुड हेल्प अ डायरेक्टर ओनली. और फिर जब हमने सोचा कि भाई ये नई न्यू कमर्स के साथ फिल्म बनानी है, तो देन आई टोल्ड हिम, मैंने कहा व्हाई नॉट यू नो टेस्ट हिम. देन आई टेस्टेड हिम एंड फाउंड दैट डेडिकेटेड ही नहीं है, टैलेंटेड भी है. सो यू नो इट वाज अ बिगनिंग फॉर अस. हाउ इज द एक्सपीरियंस? वेरी गुड, वेरी गुड. मैं इनको बहुत मिस करता हूँ क्योंकि ये एक ऐसे डायरेक्टर हैं जो मतलब एक्टर को छोड़ देते हैं, तू कैसे करता मैं देखता हूँ, चल कर ले तू फुल, मतलब करो तुम क्या करना है. जैसे कुछ डायरेक्टर्स होते हैं बोलते हैं वहाँ से मोड़ यहाँ कर ऐसे कर, तो वो बड़ा कोरियोग्राफ्ड हो जाता है. ये इम्तियाज हमेशा सीधा आके अच्छा ये ऐसे कैसे करेगा तू, करके दिखा, चल करते हैं. सो इफ दैट इज गुड बाय नॉट, एक तालमेल बन जाता है. यू गेट द स्पेस टू बी एबल टू परफॉर्म. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. काश मेरे साथ भी ऐसा हो सकता, मेरे कान में मेरे डायरेक्टर बोलते रहते हैं हमेशा पर जगह नहीं मिल पाती है. चलिए मैं थोड़ी जगह बनाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ी देर वापस आते हैं और नोकिया जीना इसी का नाम. कुछ लोग जो होते हैं वो जिंदगी में अपने घर के चिराग बन जाते हैं. अगर इस एपिसोड में कुछ लोगों को ना बुलाऊं तो शायद ये एपिसोड इनकम्प्लीट रहेगी, इसलिए अपने अगले गेस्ट को यहां पर बुलाता हूं. मोहम्मद अमीन खान साहब और महमूदा जी इनकी माँ, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए. आपको बता दूं कि जैसे इकबाल ने पहले बताया था आईएएस में सर्विस करते थे इनके वालिद, और बच्चे जब स्कूल में होते हैं लोग सोचते हैं कि हमारे यहाँ हमारे देश में, मैंने देखा है ज़्यादातर
लोग ये चाहते हैं कि डॉक्टर बने, आईएएस बने, इनकी दोनों बहनें जो हैं वो डॉक्टर बनी हैं। जब इन्होंने ये आप लोगों के सामने ख्वाहिश रखी होगी कि मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ, आपकी क्या फीलिंग थी महमूदा जी? जब इन्होंने बोला कि मैं ऐसे करूँगा तो हमने बोला आपकी मर्जी है, तो हमारा आप मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो आप जिसमें आप खुश रहें वो आप कर सकते हैं। बेशक गाइडेंस तो होती है पेरेंट्स की, लेकिन बच्चे का जब चलना देखते हैं कि नहीं ठीक चल रहा है तो फिर पेरेंट्स खुश ही रहते हैं। कुछ और लोग हैं जो इनको अच्छे से जानते हैं, उनको भी हमने यहाँ पर बुला रखा है। अपने अगले गेस्ट को यहाँ पर निमंत्रण देना चाहता हूँ, आइए। यूसुफ, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए, बैठिए प्लीज। यूसुफ, आप इनके कजिन हैं जी, तो कजिन्स तो ज्यादातर सारे खुराफाते साथ में ही होती होंगी। सारी सर, तो इसलिए मैं सोचा था कि एंड में सब लोग इनकी नेकी की बात कर रहे हैं, अच्छाइयों की बात कर रहे हैं, कुछ तो बताइए कि इनका कुछ वो मस्ती वाला पार्ट भी तो नजर आए हम लोगों को। खाने का बहुत शौक था इसको, बहुत ज्यादा। सो वन ऑफ द इंसिडेंट्स दैट आई डू रिमेंबर इज दैट वी हैड सैट डाउन ऑन अ हंगर स्ट्राइक। हम दोनों ने जिद की थी दिल्ली जाने के लिए ऑन इन अ सर्टन विंटर, एंड आवर पेरेंट्स जस्ट रिफ्यूज्ड। दे सेड नहीं, तुम लोग बहुत छोटे हो, तुम लोग नहीं जा सकते। So both of us sat on a hunger strike, and first my father came and he looked at us, ignored us, went away. His father came, ignored, went away, and after a little while Iqbal got up and went towards the kitchen. So I didn't know he's going towards the kitchen. So and he comes back after a while, huh. And he sits down next to me, and we're still on the hunger strike. We had made these small placards that. क्या उम्र होगी आपकी? ये कहते सात आठ साल. और थोड़ी देर बाद आई हेयर दिस स्लाइट चूइंग साउंड कमिंग फ्रॉम द साइड, एंड आई टर्न एंड आई सी दिस ह्यूज लंप इन इकबाल्स माउथ एंड ही इज चूइंग, एंड आई आस्क हिम दैट वी ऑन अ हंगर स्ट्राइक, एंड ही टेल्स मी हाँ वो बस अंदर गया था, छोटा सा एक मटन का पीस लेके आया हूँ। एंड ही वाज दैट वाज इट, ही वाज वेरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग। यूसुफ ने तो हमको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई हैं, और खाना इनकी ज़िंदगी का एक सेंट्रल पार्ट है। खाने में मसाले बहुत होते हैं, और कश्मीर का खाना अगर आपने खाया हो ना तो पूरे पूरे जो वाजवान की तरामी बनती है, तो सोच रहा हूँ कि उसमें से एक और कुछ चीज़ यहाँ पर पेश करता हूँ। यूसुफ, आपको चाहूँगा कि आप वहाँ बैठे हैं, एक और अच्छी सी डिश के लिए हम यहाँ पर पेश करते हैं। कॉलेज के दिनों की, स्कूल के दिनों की कुछ यादें ताज़ा होंगी इस दोस्त के साथ, आइए हुजूर। विक्रम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। इट्स माय प्लेजर। विक्रम, आप लोगों ने कब समय साथ बिताया था? वी बीन फ्रेंड्स इन स्कूल डेज। स्कूल डेज। और धर्मपुर की कुछ कहानियां? द ओनली टाइम मैंने सिर्फ इसको सिर्फ एक टाइम खाने के अलावा खुश होते हुए देखा था, वो तब था जब इसने डिसाइड किया कि हम गर्ल्स डॉर्मेटरी में स्नीक करेंगे। गर्ल्स डॉर्मेटरी। यस। एक्चुअली मैं बताता हूँ, ये हुआ यूं था कि जो भी सीनियर्स आते ना, मतलब वो ये ट्रेंड होता था कि जब जाने से पहले कुछ तो करके जाना चाहिए, मतलब जो यादगार, मतलब ये करके आए थे, मतलब ये चले बाल और विक्रम की कहानियां, हाँ ऐसा कुछ। तो हमने कहा अब कुछ किया जाए, तो हम तब गर्ल्स डॉर्मेटरी में गए थे जब वहां पे कोई लड़की नहीं थी। झूठ है ये। हाँ, बेसिकली मतलब पूरा ऐसा नहीं था कि पूरे गार्ड्स वार्ड्स में से बाकायदा सारे गार्ड्स होते हैं, उस टाइम ज्यादा लड़कियां नहीं थी वहां पे। अब हम वहां पे गए, और वैसे तो ज़्यादातर डॉर्मेट्रीज अंदर से सेम ही दिखती हैं, अब क्या कैसे कैसे हम दिखाएं कि सबको कि हम गए थे अंदर। तो हम कैमरा तो लेके आए थे, तो वहाँ कपड़े सूख रहे थे कुछ, तो वहाँ जाके फोटो खिंचा ली। वाह। उस जमाने की बातें या तो पेरेंट्स जानते हैं, या स्कूल के साथ गए हुए दोस्त जानते हैं, या फिर कुछ और लोग होते हैं। ये सचमुच इकबाल के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज होने वाला है। विक्रम, कैन आई रिक्वेस्ट यू टू जॉइन द फ्रेंड्स एट द बैक, और मैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट को यहां पर बुलाना चाहता हूं, आइए प्लीज। समीक्षा सिंह जी जो हैं वो पूरे टीचर रही हैं स्कूल में, आइए। मैम, लोगों के लिए सुरे डेनो, कब से आप जानती हैं इकबाल को? सिंस ही वाज इन क्लास 7 आई थिंक,
He did 6th to 10th with us, but I got to know him when he was in class 7. Pine Grove. हाँ जी. अच्छा. वो bag आपके पास जो है वो कुछ. Yes, I've got a little souvenir from him for him. इनकी मम्मी हमको बता रही थी कि ये पाइन ग्रोव की किसी चीज़ को कोई मतलब किसी को हाथ नहीं लगाने देते तो रेड हाउस में थे ये तो मैं कहा आई गेट हिम अ लिटिल सुविनियर ताकि चाहे तो पुरानी फेंक सकते हैं अब नई आ गई है इनके पास प्लीज आई थिंक अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर स्कूल की यादें ताज़ा हो गई अम्मी अब्बू से आप मिल लिए यहाँ पर दोस्तों से मिल लिए सबसे आप जो हैं वो मिले हैं एक व्यक्ति की ये ख्वाहिश थी कि वो आपसे आके मिलेंगे ज़रूर और आपको वो ग्रीट करना चाहते थे अपने ही अंदाज में अच्छी तरीके से आपको जानते हैं उनको यहाँ पर मैं बुलाना चाहता हूँ आइए यहाँ पर सर थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इट्स अ प्लेजर अच्छा आपने हम एक छोटी सी क्लिप जब देख रहे थे फंटूश की जी तो मैं देख रहा था कि एक इंटरेक्शन जो होता है जी. दो कलाकार एक फिल्म में एक साथ ज़्यादातर सुनने में आता है राइवलरी हो जाती है लेकिन आपकी तो दोस्ती हो गई जी. क्या वजह थी इसकी रोशन एक्चुअली शुरू से ही यू नो इकबाल को जब मैं मिला था ही वॉज मोर लाइक अ यंगर ब्रदर मतलब मेरे भाई की तरह था एंड ही वॉज जस्ट वन ऑफ दोज पीपल हु आई मीन एक दिल से ख्वाहिश निकलती कि ज़िंदगी में अच्छा करेगी अपने लिए और इसने बहुत बहुत हार्डशिप्स देखी हैं स्पेशली व्हेन यू नो फंटूश केम एंड वेंट कुछ खास हुआ नहीं था एक इंसिडेंट जो मुझे याद आता है हम फन रिपब्लिक के स्टेज पे बैठे हुए थे जब नया नया खुला था याद होता है एंड द फिल्म हैड नॉट रिलीज्ड और उस टाइम पे अगर आपको याद होगा फंटूश की हाइप काफ़ी हो गई थी यहाँ लॉट ऑफ पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट पीपल गोइंग बैक इन द 10th सेंचुरी राइट एग्जैक्टली तो लोगों ने भी हम दोनों को बोला कि भाई अब तो आपका टाइम आ गया यू नो बिग स्टार्स एंड एवरीथिंग सब वहाँ बैठे होते हैं थिंकिंग कि अगले हफ्ते फिल्म आ रही है एक बार और शायद हम दोनों यहाँ से जब निकलेंगे तो यू नो क्राउड जो थ्रॉन्ग और हमें निकलने भी नहीं देंगे और शर्ट खींचेंगे हमारी सब कुछ कट टू फिल्मी लैंग्वेज में दो हफ्ते बाद हम फिल्म की रिलीज़ के एक हफ्ते बाद फिर वहीं बैठे हुए दोनों और ये वंडरिंग उसने शायद मुझे देखा नहीं उसने शायद तुझे देखा क्योंकि फिल्म आई चली गई किसी ने देखी तो थी नहीं इतने सारे दोस्तों से यहाँ पर मुलाकात हुई है जाते जाते मैं सिर्फ आपसे चाहता हूँ कुछ लफ्ज़ कुछ अल्फाज ये जानना चाहता हूँ कि इस समय ज़िंदगी में जिस मुकाम पर पहुँचे हुए हैं वहाँ पर आप इनको क्या नसीहत देना चाहते हैं क्या कहना चाहते हैं देखिए रोशन साहब बात यह है कि आपने सुना हम इसके दोस्तों से भी बाकी जिनसे आपका कांटेक्ट हुआ हम बहुत खुश हैं और हम ये चाहते हैं कि ये बिल्कुल एक मुसम्मम इरादे से आगे चलते जाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आ जाती हैं दैट इज़ द लाइफ दैट इज़ ओनली लाइफ वेयर यू हैव अप्स एंड डाउन्स अप्स एंड डाउन्स का परवाह करे बगैर आप आगे चलते जाइए अल्लाह का भी साथ होता है दुनिया के लोगों का भी साथ होता है और कामयाबी मिल ही जाती है थी कहानी इकबाल खान की कहानी नहीं जिंदगी के कुछ लम्हे थे जो आपके सामने हमको रखने थे कभी कभार देखते हैं तो आपकी तरफ से आपको लगता होगा कि वाह सचमुच एक कहानी है हर तरफ शोहरत है हर तरफ नाम है लेकिन आज जब आपने ये जिंदगी देखी ये देखा कि किस तरीके से कामयाबी पाने के लिए बहुत कुछ खोना भी पड़ता है बहुत स्ट्रगल भी करनी पड़ती है और तब आप सचमुच समझ सकते हैं कि शोहरत पाना किसे कहते हैं यही हमारा इरादा रहता है इस कार्यक्रम में अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी और नोकिया जीना इसी का नाम है टिल देन गुड बाय शब खैर टेक केयर